हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल गाइड में। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया पर एक कंप्लेन बहुत सुनाई दी जा रही है। ये कंप्लेन है ऑनलाइन पुलिस नोटिस भेजने का। ये नोटिस लोगों के पास भेजी जा रही है। वो लोग जो ऑनलाइन कुछ सर्च करते हैं या कुछ देखते हैं, तो उनके पास इस तरह की नोटिस भेजी जाती है और उसमें ये बताया जाता है कि आप ऑनलाइन पॉर्न कंटेंट देखते हुए पकड़े गए हैं, इसके लिए आपको चार्जेस देने होंगे, आपके ऊपर पेनाल्टी लगती है। तो लोग डर के पेनाल्टी और चार्जेस को भर देते हैं और क्या होता है, उनके साथ ठगी हो जाता है, क्योंकि ये एक फेक पुलिस नोटिस होती है। इसके पीछे कुछ गैंग ऑपरेट हो रहे थे जो कि तमिलनाडु में पकड़े गए हैं। वो सेक्स एक्सटॉर्शन गैंग थे जो ये सब चीज करते थे। और इसी तरीका की जो गैंग है, बहुत से गैंग है जो अपने देश में चल रहे हैं और इस तरह के फ्रॉड कर रहे हैं। हो सकता है आपके साथ भी फ्रॉड हो जाए, इसलिए मैंने इसके ऊपर वीडियो बना दी है। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा अगर आप इसके बारे में जानकारी चाहते हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि ये लोग करते क्या थे, किस तरह से फ्रॉड करते थे, ठगी करते थे। क्या होता है कि जब भी कोई ऑनलाइन यूजर या सोशल मीडिया यूजर ऑनलाइन जाता है या कोई चीज सर्च करता है, कोई न्यूड वीडियो देखता है, हॉट कंटेंट देखता है, एडल्ट वेबसाइट पे जाता है या कुछ अश्लील चीजें देखता है या सर्च करता है, तो क्या होता है कि ये सब गैंग, ये सब गिरोह जो काम करते हैं, ये लोग क्या करते हैं, एडवेयर के जरिए, पॉपअप्स के जरिए ये लोग पुलिस नोटिस भेजते हैं। और उस पुलिस नोटिस में ये बताया जाता है कि आपके कंप्यूटर फाइल्स को लॉक कर दिया गया, जितनी भी फाइल्स हैं, और आप पॉर्न कंटेंट देखते हुए पकड़े गए हैं, आपने एक गुनाह किया है, ये गैर कानूनी काम है, इसके बदले आपके ऊपर चार्जेस लगाए जा रहे हैं, पेनाल्टी लगाई जा रही है 3,000 की, और आपको उसको भरना है, नहीं तो स्ट्रिक्टर पनिशमेंट आपको मिलेगी। और ये पेमेंट आपको UPI और QR कोड के जरिए करना है। तो लोग डर के, बदनामी के डर से इस पेमेंट को कर देते थे और इस पेमेंट के चक्कर में उन लोगों ने 20 लाख की ठगी कर ली। और ये जो पैसा जाता था, ये मल्टीपल अकाउंट्स में जाता था। जब इस एड्रेस को ट्रेस किया गया तो पता चला कि ये एड्रेस सब बाहर का है। इस तरह से एड्रेस छुपा दिए जाते थे और जो भी बैंकिंग सिस्टम से पैसे निकाले जाते थे वो क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट करके निकाले जाते थे। तो इस तरह से ये लोग फ्रॉड करते थे। ये लोग आपकी मजबूरी का फायदा उठाते थे, बदनामी के डर का फायदा उठाते थे। और ऐसा भी नहीं कि जो लोग ये गंदे अश्लील वीडियो देखते हैं, हॉट कंटेंट देखते हैं, सिर्फ उन्हीं को ये मैसेज जाते थे, उन्हीं को ये पुलिस नोटिस जाती थी। उन लोगों के पास भी ये नोटिस जाती थी जो कि इस तरह के कंटेंट नहीं देखते हैं, साफ सुथरा कंटेंट सर्च करते हैं, देखते हैं, उनके पास भी इस तरह से पॉपअप बनते थे और उनको पुलिस नोटिस भेजी जाती थी। तो दोस्तों, अगर आपके साथ भी इस तरह से कुछ हुआ हो या होने वाला हो, तो आप लोग दूसरों को सतर्क करिए और साइबर क्राइम पोर्टल पे भी आप जाकर रिपोर्ट करिए अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है, क्योंकि आने वाले समय में इस तरह के बहुत से केसेस होने वाले हैं, हो सकता है आप भी कल इसके शिकार हो जाए। तो प्लीज सब कुछ सतर्क करिए। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके जरूर बताइए कैसे लगा आपको मेरा वीडियो। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।